With COVID-19 continuing to spread across the world, and we have seen that the disease can affect anyone of any age. But those who have underlying conditions and weakened immune systems still have a higher risk for complications. And so in that case, how we should boost our immune system to fight with viruses like corona and its variants? इम्यूनिटी जो है वो बेहतर करने के लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी डाइट है वो अच्छी हो, क्योंकि अगर हम अच्छी मात्रा में हेल्दी डाइट ले रहे हैं या फ्रूट्स वेजिटेबल्स और जो भी हम डाइट ले रहे हैं, अगर हम वो हमारी अच्छी है तो हमारी बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम है यानी कि जो डिफेंसिव मैकेनिज्म है, जो हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडीज़ बनती हैं जो कि इस तरह के किसी भी वायरस या कीटाणु से फाइट करती हैं, वो बेहतर होंगे और जो है ज़्यादा एनर्जी होगी उन एंटीबॉडीज़ में लड़ने की। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी डाइट अच्छी हो और उसके लिए ज़रूरी है कि हम फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इनको अपनी डाइट में इंक्लूड करें, क्योंकि इनके अंदर जो विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं वो हमारे एंटीबॉडी लेवल को बूस्ट करते हैं। साथ ही अच्छी मात्रा में कैल्शियम और विटामिन डी खासतौर से लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विटामिन डी हमारे इम्यूनिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और अगर हम सिट्रस फ्रूट्स का सेवन करते हैं यानी कि खट्टे फल, खट्टे जो सब्जियां हैं उनका आप अगर सेवन करते हैं तो विटामिन सी हमारी बॉडी में अच्छी मात्रा में जाता है और विटामिन सी भी हमारे लिए इम्यूनिटी बूस्टर है, यानी कि वो हमारे इम्यूनिटी लेवल को बेहतर करता है। तो जैसे च्यवनप्राश है, आंवला है, खट्टे फ्रूट्स हैं जो कि जैसे आजकल तो संतरा, अमरूद, ये सब चीज़ें जो आती है, अंगूर, इन सब चीज़ों में अच्छी मात्रा में विटामिन सी होता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इन चीज़ों का सेवन अच्छे से करें। साथ ही हमें बहुत ज़रूरी है कि हम सही समय से डाइट को लें। अक्सर हम क्या करते हैं कि 6-6, 7-7 घंटे का गैप हो जाता है, सुबह एक बार खाया फिर शाम को खा रहे हैं, या सुबह ब्रेकफास्ट किया ही नहीं, स्किप हो गया, सीधे लंच कर रहे हैं 3-4 बजे। तो इन सब चीज़ों से भी हमारी इम्यूनिटी जो होती है वो अच्छी डेवलप नहीं होती है। तो इसलिए अच्छी मात्रा में सही टाइम से खाना, उससे हमारी बॉडी का इम्यूनिटी लेवल अच्छा होता है, और प्रोटीन्स अच्छी मात्रा में लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और ये भी याद रखिए कि अगर आप प्रोटीन्स अच्छी मात्रा में लेते हैं तो फिर आपकी फूड क्रेविंग भी कम हो जाती है, यानी कि वेट लॉस में भी एक तरह से आपको मदद करता है। इसलिए कोशिश करिए कि इन चीज़ों का सेवन जो है अपनी डाइट में आप ज़्यादा करें, हेल्दी डाइट लें और पानी अच्छी मात्रा में पीजिए, वो भी हमारे लिए इम्यूनिटी बूस्टर है। तो इन चीज़ों को अगर हम करें तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। Also, what are the precautions that we need to take in order to save ourselves from getting infected by the virus? देखिए, ओमिक्रॉन के साथ एक तरफ जहाँ वैक्सीन लगवाने हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे हमें सीवियर डिजीज़ नहीं होती। चाहे अगर इन्फेक्शन हो भी जाए, वैक्सीन 100% इन्फेक्शन प्रिवेंट नहीं कर सकती, लेकिन हमें तीव्र बीमारी से बचाती, यानी हॉस्पिटलाइजेशन से, ICU से, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट से, इन सब चीज़ों से मदद करता है। लेकिन वहीं इस वैक्सीन के साथ एक और वैक्सीन है जिसे हम सोशल वैक्सीन बोलते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और वो है मास्क, जिसके बारे में आप लगातार 2 साल से सुन ही रहे हैं। तो मास्क लगाना, और ख़ासतौर से ओमिक्रॉन के लिए N95 मास्क की ज़रूरत है, तो मास्क लगाना और सही तरीके से मास्क लगाना, क्योंकि जब हम मास्क लगाएं और वो हमारे नाक और मुंह को ठीक से ढके नहीं और सब तरफ से जो है कीटाणु अंदर जाते रहे, तो उस मास्क का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए सही तरीके से मास्क लगाना और अपने हैंड्स को सैनिटाइज करना, अगर आप बाहर निकल रहे हैं, आपने मार्केट में या बस में, ट्रेन में या कार में या कहीं पर भी इस तरह के सर्फेसिस को छुआ है जो कि और लोग भी छूते रहते हैं, तो हम एक सैनिटाइज़र साथ में लेके चल सकते हैं, जिससे कि हम थोड़ी थोड़ी देर पे अपने हैंड्स को सैनिटाइज़ करें, या साबुन और पानी से जहाँ भी आपको सुविधा मिले आप अपने हाथ धोइए। तो ये भी एक तरीका है जिससे कि हमारे हाथों पे जो फोमाइट्स से इन्फेक्शन हो जाता है वायरस का, वो हमारे मुँह के अंदर, नाक के अंदर ना जाए। तो ये एक तरीका है। और तीसरा, डिस्टेंस मेंटेन करना। हमें कोशिश करनी है कि हम जो है ज़्यादा क्लोज आकर के बातें नहीं करें, और ऐसे लोगों से खासतौर से जिनको सर्दी, खांसी, ज़ुकाम है, उनसे हमें डिस्टेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। लेकिन यह याद रखना है कि बहुत सारे एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स भी होते हैं, यानी कि जिनको कोई लक्षण नहीं होता है लेकिन उनको इन्फेक्शन होता है। तो उनसे बचने के लिए हमें खास तौर से एक तो क्लोज्ड स्पेसेस में जहाँ भीड़ होती है वहाँ पर जाने अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वेंटिलेशन अच्छा नहीं है तो वहाँ पर जो वायरस है और तेज़ी से फैलता है और ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट करता है। तो हमें कोशिश करनी है कि हम ज़्यादा भीड़ वाली जगह पर ना जाएँ और क्लोज वेंटिलेटेड प्लेसेस में ज़्यादा ना जाए, और
वैक्सीन लगवाएं, अच्छी डाइट लें ताकि हमारा इम्यूनिटी लेवल अच्छा हो, एक्सरसाइज करें, लंग एक्सरसाइजेस करें जिससे कि हमारी लंग्स की जो कैपेसिटी है वो अच्छी रहे, हमें इन्फेक्शन जल्दी जल्दी ना हो, और साथ ही सोशल वैक्सीन का खास ध्यान रखें। फॉर मोर सच हेल्थ रिलेटेड टिप्स प्लीज सब्सक्राइब टू अनकट।